नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 17 फरवरी। कल के सेशन में हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखा और सबसे इम्पोर्टेंट है आज का दिन, जहां हम देख रहे हैं कि NCDX के अंदर हाई प्रो सोयाबीन मील की लॉन्च हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था ये अवेलेबल था, बट इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रोटीन कंटेंट जो 50% है, जो काफी फीड इंडस्ट्री को यहाँ पे डायरेक्ट हेजिंग के लिए सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल जिस ढंग से हम पूरा सोया कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट मिसिंग बोलते थे, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास सोयाबीन, सोया मील और सोया ऑयल तीनों ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे हेजिंग और हेजिंग रेशियो स्ट्रेटजीज अच्छे से की जा सकती है। कल के सेशन में एग्री रेस के अंदर हमने 1200 का लेवल रिटेन करते हुए देखा, जिसका मतलब है पूरे ही एग्री पैक में तेजी रहेगी। कल एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी हमने अच्छी तेजी देखी। मसालों के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा, जहां पे हमने हल्दी और धनिया में तो पुल बैक देखा था, जबकि जीरे में हमने तेजी कंटिन्यू देखी। कैस्टर रेंज बाउंड था, जबकि चना, कॉटन सीड ऑयल के, गवार और कपास सभी में हमने साइडवे टू पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा। एज ऑफ नाउ अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, खास करके सोयाबीन। आज का रेंज बाउंड रहेगा 48 से 49.50 के बीच में, बट ओवरऑल इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए सोयाबीन के भाव में कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखाई दे रही, जिससे इंडिया का सोयाबीन एक्सपोर्ट कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिफाइंड सोया ऑयल भी पाम ऑयल की तेजी के साथ साथ कंटिन्यू कर रहा है। टेक्निकली भी 1130 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो कहीं ना कहीं 1150 तक का लेवल रिफाइंड सोया ऑयल में, जबकि CPO भी 1045 तक का लेवल दिखा सकता है। मस्टर्ड डिस्पाइट हायर क्रॉप, हमने देखा कि मौसम में कुछ अनसर्टेनिटी बनने की वजह से प्राइजेस में जंप है। तेल के भाव में और पाइपलाइन खाली होने की वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, जो आज के सेशन में तेजी कायम रहेगी, जो 5500 से 5550 तक का लेवल दिखा सकती है। कैस्टर लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड है, बट 4500 का लेवल तोड़ने पर हम 4800 तक के भी लेवल जल्द देख पाएंगे। वहीं मसालों के अंदर भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल पुल बैक जरूर आया था, बट दैट डजंट मीन्स के मार्केट में मंदी स्टार्ट हो गई है। अभी भी मार्केट जब तक 72 के ऊपर हल्दी ट्रेड कर रही है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 78 से 8000 तक का लेवल हल्दी में, जीरे में 14000 का लेवल और धनिया 6400 से लेकर 7000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चने में भी तेजी कायम रहेगी, जो 4800 तक का लेवल चना, मौसम में खराबी और साथ में नेफेड की जो बाइंग है, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी, जो 48-48.50 तक का लेवल दिखा देगी। कॉटन सीड ऑयल के लिए 2320 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 2320 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग हो जाता है, अदरवाइज मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। गवार सीड, गवार गम भी रेंज बाउंड है, बट आज एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। अगर 4000 के ऊपर 3950 के ऊपर गवार सीड निकल जाता है तो 4000 के लिए हम लेके चल सकते हैं, वहीं गवार गम 6500 के लिए लेके चलिए। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए CPO में तेजी रहेगी, जो 1050 के लिए लिया जा सकता है। कॉटन में हमने देखा इंटरनेशनल में 90 सेंट का लेवल टेस्ट कर चुका है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 21600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक बार 21600 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी और बढ़ते हुए देख पाएंगे। वही चने की अगर बात करें तो चना इचिमिको क्लाउड के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस जल्द 5000 का लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल लेके काम कीजिए। वहीं गवार गम की अगर बात करें, प्राइजेस दायरे में है, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। अगर 6400-6450 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज हो जाता है तो 7000 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।